नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाषीष एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नए टेक न्यूज के एपिसोड में। और आज भी मैं आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी गर्मा गर्म टेक न्यूज है वो लेके आ गया हूँ। तो आज की टेक न्यूज है वो आपको अगर थोड़ी सी भी पसंद आ जाती है तो वीडियो को लाइक कर देना। और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि जो नीचे आपको लाल लाल सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना। और बगल में जो घंटी वाला बटन है आप उसको तो दबाना बिल्कुल भी मत भूलना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं फ्यूचर में कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाओगे। तो वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और आज की टेक्निक को बिना देरी के फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करें यहाँ पे पहले अपडेट की, तो पहला अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है हुआवे की तरफ से। और हुआवे का एक पीस स्मार्ट स्मार्टफोन है जो कि काफी दिनों से सुर्खियों में था, एक मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन हुआवे की तरफ से है। तो जापान के मार्केट में हुआवे द्वारा इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया। आपको इसमें हुआवे का जो नोवा 3 लाइट स्मार्टफोन आता था उसी की तरह आपको इसमें फीचर्स मिलते हैं। आपको इसमें 6.21 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले वाटर प्रूफ डिजाइन के साथ में देखने को मिल जाती है। आपको यहाँ पे ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप 13 और 2 मेगापिक्सल देखने को मिल जाते हैं। आपको यहाँ पे नोच में जो सेल्फी कैमरा है वो मिल जाता है 16 मेगापिक्सल को देखने का। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पे तो बैटरी लाइफ मिलती है वो 3800 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी लाइफ देखने को मिल जाती है। अगर बात करें यहाँ पे प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको यहाँ पे हुआवे के किरिन का 710 वाला लेटेस्ट और पावरफुल आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल जाता है। तो वहाँ पे जो जापानीज मार्केट में इसकी कीमत कुछ रखी गई है $247 के आसपास में। अगर इसकी इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग 17,200-17,300 रुपये के आसपास में होती है। मतलब अगर इसको हुआवे इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है तो शायद से ये टक्कर नहीं ले पाएगा, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी भीड़ पड़ी है। और 17,000-18,000 रुपये में अगर इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाए तो भैया ओप्पो K1 जो स्मार्टफोन लेके आएगा पॉपअप के साथ में वो भी अंडर 20,000 होने वाला है। इसके अलावा जो वीवो V15 Pro आएगा वो भी 20K के आसपास में होने वाला है। तो मेरे हिसाब से शायद से हुआवे पी स्मार्ट के लिए इंडियन मार्केट में कोई भी जगह नहीं होगी। बात करें यहाँ पे अगले अपडेट की, तो हुआवे जो है अपने फोल्डेबल स्मार्टफोन पे काम कर रहा है और इसके जो कुछ लाइव पिक्चर्स है वो लीक्स होके हमारे सामने निकल के आ गए हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो हुआवे का बालोंग 5000 5G मोडेम जो अभी कुछ ही दिनों पहले हुआवे द्वारा लॉन्च किया गया था उसी मोडेम को यहाँ पे इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और हुआवे का जो फोल्डेबल स्मार्टफोन आएगा उसमें आपको 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी का सपोर्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं। और वैसे जो हुआवे का ये फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो सैमसंग के फोल्डेबल स्मार्टफोन की तरह, एक तरह से जो सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो तो एक तरह से नोटबुक की तरह खुलता है, लेकिन ये उसके बिल्कुल अपोजिट डिज़ाइन है इसकी। और उसके बिल्कुल अपोजिट मतलब ये फोल्ड होता है, ये मतलब जब फोल्ड होगा तो दोनों डिस्प्ले होगी, और जबकि जो सैमसंग का स्मार्टफोन है वो फोल्ड होगा तो उसके केवल फ्रंट में आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगी, नीचे आपको बैक पैनल है वो देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं कि हुआवे अपने इस नए फोल्डेबल स्मार्टफोन को कब लॉन्च करता है। लीक्स है वो तो यही निकल के आ रही है कि MWC 2019 में 24 फरवरी को इसकी जो शोकेस है वो हुआवे ऑफिशियली करने वाला है, और लॉन्च इसको शायद से मेरे हिसाब से 2019 के लास्ट तक कर ही देना चाहिए। और अगली खबर यहाँ पे आ रही है Xiaomi के मी 9 को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कुछ लीक्स है वो बहुत दिनों से निकल के आ रही है मी 9 को लेकर के, और फाइनली यहाँ पे जो कुछ लाइव पिक्चर, जी हाँ दोस्तों, पब्लिक लाइव पिक्चर्स है वो मी 9 की निकल के आ गई है। और उसमें बैक पैनल आप देख सकते हैं, इसमें साफ साफ वो दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा है वो वर्टिकल शेप में दिखाई दे रहे हैं, बाकी कुछ तो यहाँ पे आपको जो है वो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी पीछे की ओर दिखाई नहीं दे रहा। साइड से यहाँ पे अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है वो मी 9 में होने वाला है, ये तो कन्फर्म हो चुका है। देखते हैं कि जो Xiaomi है वो अपने मी 9 को MWC 2019 में लॉन्च कर देती है या फिर इसका केवल शोकेस ही करती है, ये तो हमें MWC में यानी कि 25 फरवरी से 28 फरवरी तक पता चल ही जाएगा। और शायद से मेरा यहाँ पे जहाँ तक हिसाब किताब है वो यही कहता है कि इसको 25 से 28 फरवरी के बीच में जो Xiaomi है वो ऑफिशियली इसको लॉन्च कर ही देगा। बात करिए यहाँ पे अगली खबर की, तो अगली खबर यहाँ पे निकल के आ रही है सैमसंग की S10 सीरीज को लेकर के। और 20 फरवरी को है वो सैमसंग की S10 जो सीरीज है उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो भी 20 फरवरी को सैमसंग के द्वारा ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले है वो आज ऑफिशियली कुछ रेंडर्स है, कुछ पिक्चर्स है वो उसके बैक केस के तीनों स्मार्टफोन के S10 लाइट, S10 और S10 प्लस के बैक कवर की निकल के आई है। तो उनसे अगर कुछ अंदाजा लगाया जाए उनकी स्क्रीन साइज का, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि S10 लाइट की जो आपको यानी कि सबसे जो लो वेरिएंट होगा S10 सीरीज का, उसकी जो आपको स्क्रीन यानी कि डिस्प्ले साइज है वो देखने को मिलेगी, वो बताया जा रहा है कि आपको यहाँ पे पॉकेट फ्रेंडली देखने को मिलेगी 5.8 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। आपको यहाँ पे जो S10 मिलेगा उसमें बताया जा रहा है कि आपको 6.1 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी, और S10 प्लस में आपको 6.4 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलेगी। तो लीक्स पर लीक्स है वो बहुत सारी निकल के आ रही है। आखिर 20 फरवरी को सैमसंग है वो अपने S10 सीरीज के तीनों ही स्मार्टफोन को ऑफिशियली लॉन्च कर ही देगा। तो हमें इसकी जो प्राइस है और एग्जैक्टली जो इसमें फीचर है वो कौन कौन से होने वाले हैं वो तो
20 फरवरी को ही पता चलेंगे। और यहाँ पे सैमसंग है, उसका जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो तो आने ही वाला है, 20 फरवरी को शायद से उसको लॉन्च कर ही दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और नया पेटेंट है वो सैमसंग के स्मार्टफोन का निकल के आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, बताया जा रहा है कि ये वाला जो सैमसंग का फोल्डेबल स्मार्टफोन होगा वो एक तरह से गेमिंग जो स्मार्टफोन है वो होने वाला है। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि सैमसंग है उसने फोल्डेबल स्मार्टफोन की दुनिया में अपने गेमिंग स्मार्टफोन भी घुसा दिए। जी हाँ दोस्तों, आप ये पेटेंट है कुछ लीक्स होकर निकल के आए, तो आप देख सकते हो कि आपको उसकी डिस्प्ले के फ्रंट में एक साइड में थोड़े से मोटे मोटे बेजल्स है वो देखने को मिलेंगे। साइज से वहाँ पे जो गेम किट होते हैं वो अलग से लगाने के लिए वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा और थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी उन बेजल्स पर लगाने से। आपको वहाँ पे जो 6 बटन है वो भी दिखाई दे रहे हैं, साइज से वो गेम को कंट्रोल करने के लिए फिजिकली बटन आपको वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो सैमसंग का गेमिंग फोल्डेबल स्मार्टफोन है वो बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही मतलब एक तरह से कूल ही स्मार्टफोन है वो होने वाला है। तो देखते हैं कि क्या 20 फरवरी को या फिर MWC 2019 में ही वो सैमसंग अपने गेमिंग जो फोल्डेबल स्मार्टफोन है इसको लॉन्च करता है, शोकेस करता है, क्या करता है क्या नहीं करता है, प्राइस इसकी क्या होगी, प्रोसेसर इसमें कौन सा होगा, रैम कौन सी होगी, GPU इसमें कौन सा इंटीग्रेटेड होगा, ये तो हमें MWC 2019 में ही शायद कुछ है वो कन्फर्म पता चल पाएगा। दोस्तों बात करें यहाँ पे सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग अपडेट की, तो यहाँ पे Realme की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट निकल के आ रहा है। अगर आप Realme U1 खरीदना चाहते हो, अगर आपने खरीद लिया तो आपके लिए थोड़ी सी शॉक न्यूज होगी, आपके लिए काम की न्यूज नहीं है। लेकिन अगर आप ये Realme का U1 स्मार्टफोन है वो खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको वो गाइडलाइन यही देना चाहूंगा कि आपको अभी वेट करना चाहिए, Realme U1 को परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि शायद से मिड ऑफ फरवरी में जो है वो आपका Redmi का Note 7 वो भी आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से जो Realme U1 वो उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो Realme U1 फिर भी आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि नहीं मेरे को तो खरीदना है, तो भैया बात ऐसी है कि उसमें आपके लिए है वो प्राइस कट हो गई है। जी हाँ दोस्तों, उसका जो 4GB रैम और 64GB ऑनबोर्ड स्टोरेज वाला जो वेरिएंट था उसको रिटेल प्राइस उसकी थी 14,500 रुपये, 1,000 रुपये की कटौती आपको वहाँ पे देखने को मिली है, और 13,500 रुपये में आप वो स्मार्टफोन है Realme का U1 वो खरीद सकते हो। इसके अलावा आपको 3GB रैम और 32GB ऑनबोर्ड स्टोरेज के साथ में जो डिवाइस मिली थी, लॉन्चिंग उसकी जो रिटेल प्राइस थी वो थी 12,500 रुपये, उसमें भी आपको 1,000 रुपये का जो प्राइस कट है वो परमानेंटली मिल गया है। तो आपको जो है वो स्मार्टफोन अब 11,500 रुपये में ही देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप ये Realme U1 खरीदना चाहते हो, सबसे पहले तो आपको वेट ही कर लेना चाहिए, क्योंकि फरवरी में बहुत सारे स्मार्टफोन आने वाले हैं। Vivo का V15 Pro आएगा, Oppo का K1 आएगा, Samsung के 3 स्मार्टफोन आ रहे हैं। और अगर आप फिर भी आपको लगता है कि Realme U1 मेरे को खरीदना ही है, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, 1,000 रुपये का आपको दोनों ही वेरिएंट पे डिस्काउंट मिल रहा है, आप इसको परचेज कर सकते हो। तो बस दोस्तों, आज की टेक न्यूज़ इतनी ही थी, उम्मीद है आज की टेक न्यूज़ आपको पसंद आई होगी। आज की टेक न्यूज़ आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टेक न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।